बॉडी बिल्डिंग पैसे का ही खेल है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा करियर बना सकते गाइस हैं। मेरी जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है, मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील को या प्री वर्कआउट मील को या जो पूरे दिन की जो मील होती है वो मैं चेंज करता रहता हूँ। मैं हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो गाइज, आज का ये जो ब्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील। जी हाँ दोस्तों, बहुत से मुझे अभी DM आए हैं इंस्टाग्राम पे, जिन लोगों ने, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो मुझे जानते हैं थोड़ा, और जिन लोगों को पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि मैं पोस्ट वर्कआउट मील में कौन सी डाइट खाता हूँ, क्या खाता हूँ। साले वेज में कितनी वैरायटी होती है मालूम है? अबे क्या वैरायटी होती है? मशरूम, आलू, पनीर, अभी भी 7 उंगलियां बची है मेरे पास। हाँ बता, और कुछ है वैरायटी? बस इसी। और जो लोग नहीं जानते हैं ऑलरेडी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और उन लोगों के लिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी बताया जाए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं पोस्ट वर्कआउट में क्या खाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक ब्लॉग तैयार किया जाए, जिसमें मैं अपना जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो शेयर करूंगा आप सबके साथ में। और गाइज, इसलिए आप इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो क्या होती है कि बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, बहुत से लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, पैसे की कमी होती है, लेकिन फिर भी वो लोग, उन लोगों के अंदर एक जुनून होता है बॉडी बिल्डिंग का, जो कि वो चाहते हैं कि हम लोग इस फील्ड में आए और हम भी और लोगों की तरह इस फील्ड में अपना करियर बनाए। सो गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो, अगर मैं आपको बोलूँ तो बॉडी बिल्डिंग में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों में से कोई भी वर्कआउट तो ज़रूर कर लेगा, लेकिन वर्कआउट के बाद जो हमें चाहिए, यानी कि आपको जो डाइट चाहिए, वो आपके पास अगर पैसा नहीं है अच्छा खासा, तो आप बॉडी बिल्डिंग में करियर नहीं बना सकते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग में गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई गोल है, अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए आपकी जेब में पैसा ज़रूर होना चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग पैसे का ही खेल है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, और आप अपनी फिज़िक को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वर्कआउट अच्छा करते हैं तो आपको अच्छी डाइट भी चाहिए, आपको अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, आपको आपको सप्लीमेंट्स भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं, कोई भी बॉडी बिल्डर आपको ये नहीं कहेगा कि बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी बन सकती है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो उसको भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी अगर आप ये सब चीज़ें भी नहीं लेते, अगर आप नॉर्मल डाइट पर भी चलते हैं, तब भी आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए कि आप डाइट को अच्छे से प्रिपेयर कर सके अपने लिए, अपनी फिजिक के लिए। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेरे जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाता हूँ, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। और गाइज, मेरी जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है, मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील को या प्री वर्कआउट मील को या जो पूरे दिन की जो मील होती है वो मैं चेंज करता रहता हूँ, मैं वीकली उसको चेंज करता रहता हूँ। सो अभी मैं जो पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ वो है मेरा, सबसे पहले मैं जिम से आने के बाद अपना प्रोटीन शेक पीता हूँ, जो आप लोग भी प्रोटीन शेक पी सकते हैं। और प्रोटीन शेक में आप कोई भी अच्छा सा वे प्रोटीन ज़रूर यूज़ करें, तो वे प्रोटीन हो गया आपका प्रोटीन शेक। और उसके बाद में मैं गाइज लेता हूँ 150 ग्राम पनीर, वो आप टोफू भी ले सकते हैं या आप प्लेन पनीर भी ले सकते हैं, तो मैं उसको ऑल्टरनेट डेज़ में लेता हूँ, कभी मैं टोफू खाता हूँ तो कभी मैं प्लेन पनीर खाता हूँ, जो कि मुझे एक अच्छा प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत फैट भी मिल जाता है, जो हमारी बॉडी के नीड है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन फैट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो ओवरऑल जो बॉडी की लुक है, जो बॉडी बननी चाहिए, आपकी जो फिजिक बननी चाहिए, तो वो नहीं बनेगी। क्योंकि जो गोल है वो, अगर आप मसल्स बिल्डिंग करने चाहते हैं, अगर आप का गोल ये है कि मुझे सिर्फ मसल मैन बनना है या फिर मुझे फैट नहीं लेके आना, मुझे बल्कि नहीं होना, तो आपको जो प्रोटीन है उसकी, जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। सो गाइज, मुझे जो पोस्ट वर्कआउट जो मेरी मील होती है वो प्रोटीन शेक विद 150 ग्राम पनीर, और उसके बाद में जो मैं डिनर करता हूँ, क्योंकि उसके हाफ एन आवर या 1 घंटे बाद में डिनर कर लेता हूँ, तो मुझे डिनर में
जो भी रात को जो मेरे घर में खाना बना होता है उसमें चाहे आप सब्जी ले लीजिए या फिर दाल ले लीजिए, तो आप जो भी आपके घर में बनी है सब्जी या दाल वो मैं खाता हूँ, उसके साथ में मैं राइस खाता हूँ और सैलेड मैं ज़रूर रखता हूँ गाइज अपने डाइट में। सैलेड मैं लंच में भी खाता हूँ, डिनर में भी खाता हूँ, क्योंकि सैलेड बहुत ज़रूरी होता है जिसमें आपको बहुत से विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, आपकी पानी की कमी भी पूरी होती है। सो सैलेड खाना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ में आप कर्ड भी खाएं ज़रूर। मैं कर्ड और सैलेड दोनों चीज़ें ज़रूर खाता हूँ, दोपहर में, लंच में, रात को, डिनर में, क्योंकि कर्ड में भी आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है और आपके लिए आपके पेट के लिए, स्टमक के लिए भी आपके लिए ठीक रहता है। तो आप कर्ड यानी कि दही और सैलेड को ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। और जो गाइज मेरा ये पोस्ट वर्कआउट मील था, ये बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए स्पेशल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको चेंज करता रहता हूँ, मैं वीकली अपना जो डाइट है वो चेंज करता हूँ। मैं तो डाइट को आप लोगों को भी चेंज करते रहना चाहिए, बेशक आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन हैं, हमेशा एक सी डाइट नहीं रखनी है। और अगर आप डाइट चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी बॉडी में, आपकी फिज़िक में जो डिफरेंस है वो नज़र आएगा और आपकी बॉडी ज़रूर ग्रो करेगी। सो गाइज़ आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये ब्लॉग बनाया था अपने पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। मैं डिटेल में आप सभी को बताऊंगा, अपना जो मेरा डेली रूटीन होता है वो भी बताऊंगा, और जो मैं फुल डे ईटिंग जो मैं करता हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आने वाले ब्लॉग में। अभी इस ब्लॉग में इतना ही, और आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो गाइज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो ब्लॉग हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, वर्कआउट से रिलेटेड हो, मोटिवेशन वीडियो हो, तो वो आपके पास टाइम से पहुँच जाए। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पीस।